Welcome to our channel Health and Help on YouTube. Help on YouTube. On YouTube. On YouTube. On YouTube. This channel is for you, so please like and subscribe our channel for technology updates and interesting videos. Press bell icon to subscribe our channel. Thank you. आप देख रहे हैं हेल्प एंड हेल्प, हमारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्प एंड हेल्प। फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई कमी लगे, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो या अच्छी ना लगे तो कमेंट ज़रूर करें। बेशक डिसलाइक करें हमारी वीडियोस को, लेकिन कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो किस वजह से पसंद नहीं आई, क्यों नहीं आई। और दूसरी बात, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हाफिज़ रहमतुल्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्प एंड हेल्प। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है गूगल ड्राइव के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल ड्राइव क्या है और गूगल ड्राइव पे कैसे फाइल्स को अपलोड करते हैं और उसमें कैसे डाउनलोडिंग करते हैं और कैसे लिंक वगैरह शेयर करते हैं। ये सारी डिटेल आज आपको मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं माई फाइल से कोई ऐप आपके सामने अपलोड करूंगा गूगल ड्राइव पे। तो दोस्तों, आपको बताता जाऊं कि गूगल ड्राइव जो है ये आपके फ़ोन में एक ऑप्शन होता है एंड्रॉयड फ़ोन में, जिसमें आपको 15 GB फ्री स्पेस दी जाती है। इस 15 GB में आप गूगल ड्राइव में, जो ड्राइव का ऑप्शन है उसमें 15 GB डेटा आप स्टोर कर सकते हैं उसमें बैकअप बना के। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप फ़ोन अपना चेंज करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप जब भी आपने अपना जीमेल अकाउंट लगाएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी महफूज रहेंगी, तो दोबारा आप इनको अपने काम में ला सकते हैं। इसके लिए सिर्फ़ आपको ये करना है कि आपका जो जीमेल अकाउंट हो वो आपको याद होना चाहिए। अगर जीमेल अकाउंट याद ना हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें अब हमने देखना है कि कैसे ड्राइव पे अपलोड करते हैं। तो इसमें आप कोई चीज़ भी अपलोड कर सकते हैं, वो वीडियो हो, ऑडियोज़ हो, इसी तरह कोई फाइल्स हो, कॉन्टैक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, आप 15 GB तक जो है ना अपना डेटा इसमें सेव रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं माई फाइल से एक फाइल को अपलोड करूँगा। ये है माय फाइल। माय फाइल्स सर्च मोर ऑफ रीसेंट कैटेगरीज इमेजेस ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट डाउनलोड इंस्टॉलेशन फोन हेडर इंटरनल स्टोरेज। ये इंटरनल स्टोरेज में मैं जाऊंगा। इंटरनल एसडी कार्ड फोन इंटरनल स्टोरेज 10 फोल्डर एपीके एक्सट्रैक्टर डबल टैप टू गो टू एपीके एक्सट्रैक्टर। ये देखिए, नेविगेट सर्च grid more options my file internal storage apk extractor
ये एक फाइल है हमारी प्रेयर टाइम साइलेंट, ठीक है, इसको मैं अपलोड करता हूँ ड्राइव पे। इस पे डबल टैप एंड होल्ड करेंगे तो ये देखिए ये चेक हो गया है, ठीक है। इसको हमने चेक करके अब हमने राइट टू लेफ्ट जाना है, ये शेयर पे जाना है, ठीक है, शेयर बटन, ये शेयर बटन पे मैंने क्लिक किया, ये अब मैं लेफ्ट टू राइट आऊँगा। ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि जहाँ भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, व्हाट्सएप, लिंक शेयरिंग, सेव द ड्राइव, ये है हमारी मतलूबा जगह जिसको आज हमने समझना है, सेव द ड्राइव, ये पढ़ रहा है सेव द ड्राइव कॉलम टू, ठीक है ना। अब इस सेव द ड्राइव पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए सेव द ड्राइव, ये ओपन हो गई, ये अकाउंट मेरा उसने बता दिया hafizrahmatullah@gmail.com। फोल्डर, हाँ फोल्डर के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि ड्राइव के अंदर पहले आपको फोल्डर बनाने पड़ेंगे, मसलन आप ऑडियो है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट्स हैं या कॉन्टैक्ट है, इमेजेस है, जो भी फाइल आप इसमें रखना चाहें वो उसके आपको पहले से फोल्डर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप फोल्डर शेयर नहीं कर सकते किसी जगह पे भी, ड्राइव पे भी और किसी और जगह पे भी, क्योंकि जब आप शेयर पे क्लिक करते हैं तो फोल्डर शेयर नहीं होते। हाँ, उसके लिए फिर आपको जिप फाइल बना के शेयर करें तो वो कर सकते हैं, लेकिन फोल्डर शेयर नहीं कर सकते, तो इसमें आपको अलहदा से फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो वो फोल्डर बनाने का तरीका मैं बाद में आपको बताता हूँ, अभी हम आगे चलते हैं। ये ड्रॉपडाउन, ये फोल्डर आगे आ रहे हैं, क्योंकि मेरे फोल्डर जो इसमें बने हुए हैं ना, वो शेयर करने के बाद वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा फोल्डर का, कॉन्टैक्ट, क्लिक द चेंज। अब इसमें ये है कि जो आखिरी दफ़ा हमने जो फोल्डर सेलेक्ट किया होगा, कोई चीज़ अपलोड की होगी जिस फोल्डर में, तो वो फोल्डर यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा। जब भी आप कोई फाइल शेयर करेंगे इधर, तो वो उसी फोल्डर पे आ जाएगा। लेकिन आगे देखिए ये बता रहा है कॉन्टैक्ट, क्लिक द चेंज, यानी मकसद ये है कि आप इसी फोल्डर में अगर अपलोड करना चाहते हैं तो आगे देखिए कैंसिल बटन, सेव बटन, इस पे आपने सेव कर देना है तो वो अपलोड हो जाएगी। अगर हम इस फोल्डर में नहीं करना चाहते तो कॉन्टैक्ट, क्लिक द चेंज, आप इस क्लिक द चेंज पे डबल टैप करेंगे, मसलन इस पे मैं नहीं करना चाहता क्योंकि ये फाइल कॉन्टैक्ट की नहीं है, ये डॉक्यूमेंट की फाइल है, ठीक है। अब इस पे क्लिक द चेंज, ये आ गया, ठीक है। अब ये नेविगेट अप बटन, अब इस नेविगेट अप बटन पे डबल टैप करेंगे, ये सेलेक्ट डेस्टिनेशन, करंट फोल्डर, माय ड्राइव, अब ये पहले वही माय ड्राइव आ रहा है, क्रिएट न्यू फोल्डर, हाँ यहाँ पे भी देखिए न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी फोल्डर क्रिएट करके तो इसको अपलोड कर दें, लेकिन अभी हम फोल्डर क्रिएट नहीं कर रहे, फोल्डर क्रिएट करने का अलहदा तरीका मैं बाद में बताऊँगा। आगे चलते हैं, ये अब फोल्डर्स जो है ना वो आगे शो कर रहा है, कॉन्टैक्ट फोल्डर, आगे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। अब ये दो फोल्डर मेरे पास ड्राइव में हैं, आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं तो वो सारे शो करेगा। अब मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना है, इस पे डबल टैप करते हैं, हाँ अब जब फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो राइट टू लेफ्ट आएंगे हम, तो ये सेलेक्ट बटन, पहले ये सेलेक्ट आएगा, जब फोल्डर पे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट मांगेगा, पहले आप हम इसको सेलेक्ट करते हैं इसी फोल्डर को,
ये 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 फोल्डर जो है ना माई ड्राइव क्लिक हो गया हमसे, तो हमने इसमें नहीं करना, हमने करना है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। ये नेविगेट अप पे सेलेक्ट डेस्टिनेशन माय ड्राइव कंप्यूटर्स माय ड्राइव सेलेक्ट क्रिएट न्यू फोल्डर्स एंड लिस्ट कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट्स फोल्डर मॉडिफाइड November 23rd, 2017 ये आ रहा है। डेस्टिनेशन करंट नेविगेट अप सेलेक्ट सेलेक्ट बटन नेविगेट अप के बाद हमने सेलेक्ट पे जाना है, ये सेलेक्ट हो हाँ। अब ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया है, जब ये आगे आएगा ना डॉक्यूमेंट्स क्लिक द चेंज, इसका मतलब है ये अब सेलेक्ट हो गया है, अब हमने आगे जाना है। सेव बटन, अब हमने इसको सेव कर देना है, यहाँ ये सेव हो रहा है, ठीक है। अब ये वही माई फाइल पे आ गया है। अब हम जाते हैं ड्राइव के अंदर और जाके इसको चेक करते हैं कि ये सेव हुई है, अपलोड हुई है कि नहीं हुई। ये है ड्राइव। अच्छा, ड्राइव के बारे में आपको बताता जाऊं, ये मैंने तो होम स्क्रीन पे इसको रखा हुआ है। वैसे ये आपको ऐप के अंदर ये जो गूगल फोल्डर होता है उसमें मिलेगी, मुख्तलिफ फ़ोन्स में मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं, तो बहरहाल ड्राइव का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन इसको मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है क्योंकि ये अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है। ड्राइव, ये इसको ओपन करते हैं ड्राइव को। अब ये या फोल्डर्स आगे आ रहे हैं, ये आगे हर फोल्डर के आगे मोर एक्शन आ रहा है, इसके बारे में मैं बाद में आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर इसको हम ओपन करते हैं क्योंकि हमने वो फाइल यहाँ अपलोड की थी, ये देखिए। अब देखिए ये अपलोड हो चुकी है क्योंकि अब ये आगे मिलेगी हमें, ये हर फाइल के आगे मोर ऑप्शन आएगा, ये हमारे काम की चीज़ है, ये आगे आपको बताता हूँ। 3000 अब ये सारी फाइलें शो कर रहा है जो हमारे पास पहले से यहाँ सेव हैं। मैं आपको वो फाइल दिखाना चाहता हूँ जो अभी हमने की है। ये सारी फाइलें शो कर रहा है। हाँ ये आ गई है। ये फाइल थी हमने जिसको अपलोड किया था, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे ये जानते हैं कि जो फाइलें आपके पास यहाँ अपलोड हुई पड़ी हैं पहले से, इनको आपने इंस्टॉल कैसे करना है, आपने इसका लिंक कैसे शेयर करना है, आपने डाउनलोड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अब देखिए हर फाइल के आगे मोर एक्शन आ रहा है,
पहले वो फाइल आ रही है, उसके आगे मोर एक्शन आ रहा है, आप सुन रहे होंगे। ये पहले पहले उस फाइल का नाम ले रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस फाइल को मैं यहाँ से अपने पास इंस्टॉल कर दूँ, ठीक है ना, क्योंकि फाइलें मौजूद होती हैं और हमने इंस्टॉल करनी होती हैं बाद अवकात, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे शुरू शुरू वाले मोर एक्शन पे, नहीं यही प्रेयर टाइम जो शुरू शुरू में बोल रहा है। जब इस पे आप डबल टैप करेंगे तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। पहले डाउनलोड होगी और उसके बाद इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आएगा, आप उसको इंस्टॉल कर देंगे। अभी करनी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन और ऑप्शन जो है ना इसके फंक्शन, वो हम देखते हैं आगे मोर ऑप्शन, मोर एक्शन में, मोर एक्शन ये है। हाँ, इसमें अब बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो आगे हमने सीखने हैं। वो क्या है देखते हैं। फाइल, ये फाइल का नाम बता रहा है। शो आइटम प्रॉपर्टी, ऐड पीपल, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं, हाँ, लिंक शेयरिंग ऑफ स्विच, ठीक है ना। तो अब इसमें ये है कि ये जो लिंक शेयरिंग ऑफ आ रहा है, अगर आपने किसी को लिंक शेयर करना है तो पहले ये हर फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, ये लिंक शेयरिंग ऑफ होगा। अगर आपने किसी को लिंक शेयर करना है तो पहले आप इसको ऑन कर देंगे, वरना अगर आप लिंक शेयर कर देंगे तो वो कोई ओपन नहीं कर सकेगा जब तक आप इस ऑप्शन को ऑन नहीं करेंगे। ये हर फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो ऑफ होता है, लिंक शेयरिंग ऑफ, ठीक है। इसको हमने ऑन करना है जब भी किसी को आप लिंक भेजना चाहते हैं, यानी ये फाइल है आपकी ड्राइव में पड़ी हुई है, आप चाहते हैं कि इसका लिंक किसी को मैं शेयर कर दूं ताकि वो वहां से उस लिंक के ज़रिए यहां से उठा सके, डाउनलोड कर ले अपने पास, इंस्टॉल कर ले, तो ये करना है। हाँ, आगे ये आ रहा है कॉपी लिंक। अब कॉपी लिंक में ये होगा कि इसी फाइल की लिंक को हमने कॉपी करना है, ठीक है, क्योंकि ये फाइल हमने, इसका लिंक भेजना है, प्रेयर टाइम साइलेंस जो है। यहाँ से हम कॉपी लिंक करेंगे, कॉपी लिंक के लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये लिंक कॉपी हो जाएगा। कॉपी लिंक, ठीक है। तो कॉपी लिंक पे जब हमने क्लिक करना है, ये कॉपी लिंक, ठीक है, इस पे जब हम डबल टैप करेंगे तो कॉपी लिंक, लिंक कॉपी हो जाएगा। अब लिंक कॉपी करके जहाँ भी आपने पेस्ट करना है वहाँ आप कर देंगे, वो आपको आसान तरीका है, आमतौर पे हम करते रहते हैं। जब यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद जिस जगह भी हमने इसको सेंड करना है, मसलन व्हाट्सएप में किसी ग्रुप पे सेंड करना है, तो उसके एडिट बॉक्स में जाके, व्हाट्सएप पे करना है, फेसबुक पे करना है, मैसेज के ज़रिए करना है, किसी ज़रिए भी करना है, तो उसके एडिट बॉक्स में जाके आप डबल टैप एंड होल्ड रखेंगे तो आगे पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जब पेस्ट का ऑप्शन आएगा तो पेस्ट में वो आप पेस्ट कर देंगे तो उसी एडिट बॉक्स में ये सारे का सारा लिंक आ जाएगा, फिर आप उसको सेंड कर देंगे। ये है तरीका। अवेलेबल ऑफलाइन ये नहीं है, ओपन विद, ये इसको, हाँ, सेंड कॉपी, ये एक ऑप्शन आ रहा है। सेंड कॉपी का मतलब ये है कि पहला तरीका तो ये था ऊपर जो हमने लिंक शेयर कर रहे थे किसी को। एक तरीका ये होता है कि हम लिंक नहीं बल्कि ये पूरी फाइल किसी को शेयर कर दें यहाँ से, क्योंकि एपीके फाइल है ना, तो अगर किसी को आप पूरी फाइल शेयर करना चाहते हैं यहाँ से तो आप वो भी कर सकते हैं। लिंक शेयर करेंगे तो उसका नेट यूज़ होगा और वो खुद यहाँ से उठाएगा। जब आप ये पूरी फाइल शेयर कर देंगे तो ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड होकर उसके पास शेयर हो जाएगी, वो यहाँ से। सेंड कॉपी, अब यहाँ जब आप सेंड कॉपी पे करेंगे तो ये आगे ऑप्शन दे देगा आपको कि कहाँ सेंड करनी है, तो वो व्हाट्सएप हो, वो जो भी हो, मैसेजेस हो, जहाँ भी हो, वो सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। आप जब सेंड करेंगे तो ये यहाँ से कॉपी होकर पूरी की पूरी फाइल सेंड हो जाएगी। तो ये है फाइल सेंड करने का तरीका। आगे चलते हैं,
हाँ डाउनलोड, डाउनलोड का मतलब ये है कि आप अपने पास इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत है, आप अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल नहीं। इंस्टॉल का तरीका वो था पहले शुरू शुरू में जो मैंने बताया, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी, फिर आप जब चाहें इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मूव, मूव का मतलब ये है कि आप यहाँ से इसको मूव करना चाहते हैं किसी और फोल्डर में। अब ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में है, आप चाहते हैं कि ये यहाँ ना हो, किसी और फोल्डर में मैं इसको मूव कर दूँ, तो यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। ये स्टार ऑफ, ऐड टू होम स्क्रीन, आप इसको होम स्क्रीन पे ला सकते हैं। ये रीनेम, इसका नेम चेंज करना है अगर आपने इस फाइल का, जो प्रेयर टाइम साइलेंस जो है, इसको हम चाहते हैं कि इसका नेम जो है ना वो हम चेंज कर दें, कोई और नेम रख दें, तो यहाँ से आप रीनेम पे जाएंगे और उसको रीनेम कर देंगे, दूसरा नाम लिख देंगे इसके। रिमूव, रिमूव का मतलब ये होता है यहाँ डिलीट, ठीक है, यानी इस फाइल को आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ये यहाँ आप नहीं रखना चाहते, तो रिमूव पे आप क्लिक करेंगे। रिमूव मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये रिमूव, वन आइटम रिमूव्ड, ये अभी रिमूव नहीं हुआ, ये दो ऑप्शन, एक आ रहा है अनडू बटन और एक आ रहा है ओके बटन। अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वाकई डिलीट करना चाहता हूँ तो ओके पे क्लिक कर देंगे, अगर डिलीट नहीं करना चाहता तो अनडू कर देंगे, ये हमारे पास फिर भी मौजूद रहेगी। ये देखिए, ये नेविगेट अप, ठीक है। अब ये चीज़ें जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने यहाँ से सीख ली। ये देखते हैं अब आगे, ये देखिए, अब हम शुरू शुरू में आ गए हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले तो हमने समझा कि फाइल का लिंक कैसे शेयर करते हैं, तो फाइल के हम मोर ऑप्शन में गए, इसी तरह फोल्डर का भी मोर ऑप्शन एक्शन आ रहा है, मोर एक्शन फॉर कॉन्टैक्ट, ये आगे डॉक्यूमेंट्स, ये आगे मोर ऑप्शन फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए, अब इसमें भी तकरीबन वही ऑप्शन आ रहे हैं जो पहले फाइल में थे, शो आइटम प्रॉपर्टी, एड पीपल, लिंक शेयरिंग ऑफ, यहाँ पे वही बात है, लिंक शेयरिंग ऑफ। अब देखिए, एक तो है एक फाइल का लिंक किसी को शेयर करना, वो भी आप कर सकते हैं, इस तरह आप चाहते हैं कि पूरे फोल्डर का लिंक हम किसी को शेयर करें तो वो भी हो सकता है, कॉपी लिंक, यानी वहाँ हम फाइल के मोर ऑप्शन में गए थे, यहाँ हमने फोल्डर का जो मोर ऑप्शन है वहाँ जाएंगे, तो ये कॉपी लिंक, कॉपी लिंक जब हम करेंगे तो ये लिंक किसी को जब हम शेयर करेंगे पूरे के पूरे फोल्डर का, तो जब वो ओपन करेगा ये हमारे पूरे का पूरा फोल्डर जो है ना उसके पास ओपन हो जाएगा। अब आगे उसकी मर्ज़ी, यहाँ पे जितने भी फाइलें पड़ी हैं वो जो चाहे इसमें से उठा सकता है, तो ये अब आगे आपकी मर्ज़ी कि पूरे फोल्डर का किसी को लिंक देना चाहें, बाद दफ़ा ये भी होता है कि पूरे फोल्डर का लिंक किसी को ज़रूरत होता है और आप दे देते हैं कि भाई यहाँ से आप जो है ना जो चीज़ उठाना चाहें उठा सकते हैं, ये है तरीका। तो ये भी वही है, मूव है कि इस फोल्डर को किसी और जगह आप मूव करना चाहते हैं, और ऐड टू होम स्क्रीन, रीनेम, इस फोल्डर का नेम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ चेंज कलर, रिमूव, इस फोल्डर पूरे के पूरे को डिलीट करना चाहते हैं हम, ये भी वही था ऑप्शन, ये सारी चीज़ें वही हैं। ये अब हम बैक आते हैं, अब हमने इसमें से एक और चीज़ सीखनी है जो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ अगर हम फोल्डर बनाना चाहें, एक तो जब आप फाइल शेयर कर रहे थे वहाँ भी फोल्डर का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन शुरू में अगर हम इस ड्राइव के अंदर पहले से फोल्डर बनाना चाहें तो उसका भी एक तरीका है, ये
मोर ऑप्शन, ठीक है, इस मोर ऑप्शन में हमने जाना है, यहाँ हमको मिलेगा न्यू फोल्डर का ऑप्शन, ये देखिए क्रिएट, ये क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं, ये आ गया न्यू पे नहीं, फोल्डर पे, फोल्डर पे, फोल्डर पे हमने देखना है ये, ये एडिट बॉक्स हमारा आ गया है। अब हम इस पे कुछ लिखते हैं, कोई फोल्डर बनाते हैं, मसलन नमूने के तौर पे, नाइन स्पेस बार एट, ये मैंने स्पेस बार लिखा है यहाँ पे, कैंसिल एडिटिंग 08, ये मैंने 08 वैसे 08 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कीपैड पूरा यहाँ पे ओपन है, आप कोई भी किसी नाम का भी आप फोल्डर बनाना चाहें, वीडियोज, ऑडियोज, कॉन्टैक्ट, जो भी आप करना चाहें, मैं वैसे जो है ना समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 08 लिखा है, कैंसिल बटन, ओके बटन, ये आ गया, ये है, ठीक है, क्रिएटिंग फोल्डर, ये हो गया, ठीक है, ये अब फोल्डर हमारा 08 बन गया है, ठीक है। जब भी आप कोई फाइल शेयर करेंगे तो अब ये इस फोल्डर का भी आपको ऑप्शन दे देगा, ये हो गया। अब एक चीज़ और है, वो हमने यहाँ पे देखनी है, ये देखें, नो आइटम शो कर रहा है क्योंकि ये अभी एम्प्टी है ये फोल्डर, आगे चलते हैं, ये ओपन नेविगेशन ड्रॉर में हमने जाना है। एक चीज़ और है वो समझनी है, वो ये है कि पहले मैं आपको बता दूं उसके बारे में, होता ये है कि जब आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि एक ऑप्शन होता है वो आपको जो है ना ऑफ़ करना है, अगर वो ऑन होगा तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप अपलोड करेंगे कुछ तो वहाँ पे अपलोड पॉज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जी तो उसमें ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि जब हम मोबाइल डेटा से कुछ अपलोड कर रहे होते हैं तो जब हम कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन ये आ जाता है कि अपलोड पॉज, अपलोड पॉज का ऑप्शन जब आता है तो हम ड्राइव में जाके फिर उसको रिज़्यूम करना पड़ता है हमें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन है उसकी सेटिंग करनी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने ओपन किया हुआ था शो नेविगेशन ड्रॉर, सेटिंग, ये सेटिंग में हमने जाना है, ये हमारी सेटिंग आ गई है, लिस्ट Transfer files only over Wi-Fi. Uploading and updating of files will pause when Wi-Fi connection isn't available. Off switch. ठीक है ना? ये ऑप्शन है, इस पे जाके इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, अगर ये ऑन होगा तो वाईफाई पे तो ऑटोमेटिक वहाँ से जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे
वो यहाँ अपलोड हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऑन होगा तो जब आप मोबाइल डेटा से करेंगे तो वो अपलोड पॉज आ जाएगा, फिर आपको दोबारा ड्राइव ओपन करके वो फोल्डर ओपन करके वहाँ पे वो फाइल आपको मिलेगी, तो उसको आप फिर रिज़ूम करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, यहाँ से भी मोबाइल डेटा पे भी डायरेक्ट जो है ना वो अपलोड हो जाए, तो उसके लिए ये ऑप्शन है ट्रांसफ़र फाइल ओनली ओवर वाईफाई ऑफ स्विच। ठीक है, इसको आपने ऑफ रखना है अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, ये ऑन रहने दें आप इसको। ये शो नेविगेशन ड्रॉअर में हमने किया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद है कि आपको ये पूरा हमारा ट्यूटोरियल जो है ये समझ आ गया होगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।